हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा और आप सभी का स्वागत है रुक्मिणी प्रकाशन के YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आपसे वादा पिछले वीडियो में करके गया था, पिछले किताब वाले वीडियो में मैं आपसे वादा करके गया था कि यूपीएसआई के बारे में मैंने आपको बताया था, यूपीएसआई की किताब आई हुई थी। अब मैंने आपसे वादा किया था कि किसी नई किताब के साथ, उसकी विशेषताओं के साथ मैं आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर आपके समक्ष रूबरू हुए हैं और आज का भी हमारा मुद्दा बेहद ही इंटरेस्टेड है कि बहुत सारे बच्चे इसके लिए इंक्वायरी कर रहे थे कि जीडी की किताब कब आएगी। तो जीडी की किताब के बारे में ही हम आपके लिए अपडेट लेकर के आए हुए हैं। रुक्मिणी प्रकाशन की तरफ से एसएससी जीडी के लिए किताब आ चुकी है और ये मेरे हाथों में आप इस वक्त किताब देख भी सकते हैं। ये आपके एसएससी जीडी की तैयारी को ये पुस्तक बहुत ही कारगर करने में सहायक होगा, क्योंकि यह आपका कंप्लीट क्वेश्चन बैंक है जो कि पिछले वर्ष पिछली वैकेंसी में, यानी कि 2019 की वैकेंसी में आप यहां देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन बैंक 2019, यानी 2019 में जो जीडी की परीक्षा हुई है उस परीक्षा में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड क्या थे, क्वेश्चन का लेवल क्या था, क्वेश्चन की प्रकृति क्या थी और किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए। आप यदि इन सभी बातों को जानना चाहते हैं और इन सभी आकलन के आधार पर अपनी तैयारी को ज्यादा बेहतर तरीके से, स्मार्ट तरीके से तैयार करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको इस पुस्तक का अभ्यास निश्चित तौर पर कर लेना चाहिए। अभी बहुत सारा समय है एग्जाम में, 25 मार्च से आपका फॉर्म भरा जाना है, उसके बाद एग्जाम में आपको टाइम है, अगस्त में लगभग परीक्षा होनी है जो कि डेट एसएससी ने नोटिफिकेशन के साथ ही अपने कैलेंडर में दिया है। अगस्त में इसकी परीक्षा शुरू होनी है और यह परीक्षा आपका ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, तकरीबन कितने फॉर्म भरे जाएंगे इस पर निर्भर करेगा बहुत सारी चीज। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने 26 सेट्स हैं, कितने 26 सेट्स हैं और यह आपका सत्यमेव जयते का लोगो देख सकते हैं। यदि देश की सेवा करने का जुनून आप में भी है, आप भी सेना में जाना चाहते हैं लेकिन सेना में नहीं जा पाए हैं, तो सेना के ही तर्ज पर उसी का वैकल्पिक है ये सीआरपीएफ सीआईएसएफ के रूप में आप रिजर्व पुलिस बल का, अर्धसैनिक बल का हिस्सा बन सकते हैं और देश की सेवा में समर्पित हो सकते हैं और आप अपना, अपने क्षेत्र का नाम, अपने जिले का नाम रोशन कर सकते हैं। तो आप अगर डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आपको इसे किसी भी हाल में नहीं चूकना है। रुक्मिणी प्रकाशन इसके लिए सदैव आपके साथ है, देख सकते हैं 26 सेट्स का ये प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर है और कुछ ही दिनों के बाद इसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपको रुक्मिणी प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो आप सबों को निश्चित तौर पर इस किताब को खरीदना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए ताकि आपकी तैयारी ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो सके, प्रबल हो सके। देखिए, इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं कि कब से क्या प्रक्रिया शुरू होनी है। तो 25 मार्च से आपका फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 10 मई तक है, यानी कि आपके पास तकरीबन 1.5 महीने का समय है फॉर्म भरने का। उसके बाद एग्जाम डेट देखिए दे दिया गया है 2 अगस्त 2021 से शुरू होकर के 25 अगस्त, मैंने बताया अभी आपको तकरीबन 1 महीने चलना है एग्जाम और वो नंबर ऑफ कैंडिडेट पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, हो सकता है कम भी चले या ज्यादा भी चले। तो ये आपका एक मोटा मोटी डेट है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं और इसी की तैयारी के लिए ये किताब आपके समक्ष सर्वत्र उपलब्ध है। किसी भी रूप में आप इसे खरीद सकते हैं, ऑफलाइन अपने नजदीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं, www.rukmini-prakashan.com से खरीद सकते हैं, ये हमारा साइट है, यहां से खरीद सकते हैं। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं 7079212121 पर, और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ करके यहां भी किसी भी प्रकार की जानकारी हो, किताबों से संबंधित अपडेट हो, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसका वीडियो डिस्कशन जब शुरू होगा तो वह भी, इसके अलावा आपको ऑनलाइन परचेज करने की प्रक्रिया में बता दूं, ऑफलाइन आप खरीद सकते हैं, एक ऑप्शन आप यहां से खरीद सकते हैं, दूसरा विकल्प आपके पास है booksready.com से, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे और दिखाता हूं मैं आपको इस बुक की विशेषताएं कि किस डेट में
किस शिफ्ट में कैसे प्रश्न पूछे गए और शिफ्ट वाइज शिफ्ट क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, बदला या नहीं बदला, एक ही प्रकृति के क्वेश्चन रहे या ज्यादा टफ या कम आसान रहा, ये आप इसका आकलन करने के लिए इन सभी सेट्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेट वाइज शिफ्ट वाइज यहाँ कुल 26 क्वेश्चन आप 26 सेट्स आपको दिए गए हैं। और आगे देखिएगा तो आपका ये कुल 334 पेजेस की ये किताब है और इसमें प्रश्नों का आप देख सकते हैं कि कुछ आपका इस प्रकार होगा सेक्शन वाइज किया हुआ, यानी मैथ्स के क्वेश्चन अलग होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन अलग किए होंगे, जीके के क्वेश्चन अलग किए होंगे और हिंदी अथवा इंग्लिश आपको जो भी चॉइस है, आपका चॉइस रहता है हिंदी या इंग्लिश बनाने का, तो वह भी आपका सेपरेट किया हुआ है। तो ये आपके लिए, मेरा ये मानना है कि आपके जीडी की तैयारी के लिए इससे बेहतर बुक नहीं हो सकती है। आप इसे निश्चित तौर पर खरीदिए, बनाइए, अभ्यास करिए और अपनी तैयारी को पुष्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित करिए। मिलेंगे आपसे फिर किसी नई किताब में और उसकी विशेषताओं के बारे में, अपने आपकी तैयारी की रणनीति के बारे में बतलाने के लिए। तब तक के लिए मैं नितीश चंद्रा रुक्मिणी प्रकाशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी से विदा चाहता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।